महानगर मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद काफी तेजी के साथ चल रही है। तो वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य कराए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में धीमी रफ्तार को लेकर लगातार शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी। इन कार्यों की धीमी रफ्तार का कारण जानने के लिए कमिश्नर और नगर आयुक्त ने शहर के कई इलाकों में भ्रमण कर कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर जानकारी प्राप्त की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। मंगलवार को कमिश्नर आंजने कुमार सिंह और नगर आयुक्त संजय चौहान ने स्टेशन रोड इंपीरियल तिराहा और रामगंगा बिहार इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी देते हुए नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर में दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट के कार्यों की रफ्तार को लेकर आज आधे शहर का भ्रमण कमिश्नर के साथ पूरी टीम ने किया है। आज हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट विलंबित हैं। आज कमिश्नर सर ने और आपके द्वारा रामगंगा बिहार और बुध विहार में क्या देखा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शहर में दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट रोड नेटवर्क। इसी के तहत आज लगभग आधे शहर का भ्रमण कमिश्नर सर के साथ में पूरी टीम ने किया है और आज हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनके वजह से ये प्रोजेक्ट विलंबित है। इसी क्रम में आज ये देखा गया है कि जो ओल्ड मार्केट एरिया है, इस एरिया में हमारी जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो आइडल का अपना नेटवर्क है, उसके स्ट्रेंथन किए जाने में और ओवरहेड यूटिलिटीज़ की ग्राउंडिंग करने में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, इस संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं और उनके वेंडर्स को भी यहाँ बुलाया गया था। ऐसी हाइडल साहब, एसीओ साहब, चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी, पूरी टीम साथ में है और हम जल्दी से जल्दी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका प्रत्येक स्तर से निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि प्रोजेक्ट अपने समय से पूरा हो सके। सर, बरसात का सीज़न आने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियाँ? निश्चित रूप से इसी बरसात के दृष्टिगत देखिए, अभी इस बाज़ार के क्षेत्र में नालों की सफाई का कार्य भी किया जाना है और UPRNN जो कि इस रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसको ही इस बार नालों की सफाई का जिम्मा दिया गया है, जिसमें स्लैब्स भी तोड़े जाने हैं, नालों की सफाई होनी है। इस कार्य को किस तरह से किया जाए जिससे बाजार वासियों को कम से कम परेशानी हो और समय से हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएँ, इसी पे मंथन करने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है। सर, कब तक का लक्ष्य रखा है ये बुध बाजार का कार्य पूरा होना? देखिए, बुध बाजार में जो हाइडल का कार्य है, इसका कार्य पूर्ण करने के लिए 20 जून तक की डेडलाइन दी गई है। हालांकि एजेंसी द्वारा अपनी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां बताते हुए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। अभी इस संबंध में एक बैठक के माध्यम से समय सीमा तय की जानी है। जल्दी आपको बताते हैं। धन्यवाद।